अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं wikisoftt यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से सिंपल गूगल से सर्चिंग करके ही अर्निंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अर्निंग के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने अर्निंग करनी है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता कि यूट्यूब से कैसे अर्निंग करनी है, ब्लॉगिंग से कैसे अर्निंग करनी है। सो फ्रेंड्स, उनके लिए आज मैं बताने वाला हूँ कि गूगल से सिंपल सर्चिंग करके ही कैसे अर्निंग की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल wikisoftt सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आने वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी लेटेस्ट से लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूँगा। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन होंगे या किसी और के लिंक से ज्वाइन होंगे तो आपको 25 टोकन जो हैं इसके उसी वक्त मिल जाएंगे। अगर आप सिंपल न्यू टैब में जाकर presearch.org टाइप करेंगे और वहां से साइन अप करेंगे, सो फ्रेंड्स आपको कोई टोकन, एक भी टोकन आपको नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे, आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपने वही पासवर्ड दोबारा से डालना है, उसके बाद फिर आई हैव रीड और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह से चीज़ें शो करेगा। आपने सिंपल उन पिक्चर्स पर क्लिक करना है, क्लिक करके उनको ख़त्म करना है। इसने मुझे कहा है क्रॉस वॉक्स ढूँढे, क्रॉस वॉक्स जो हैं वो ख़त्म होने ही वाले हैं। जैसे ही क्रॉस वॉक्स ख़त्म हो जाएंगे, मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, तो मैं वेरीफाई कर दूँगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर टिक का निशान आ गया है, यानी कि हमारा आई एम नॉट अ रोबोट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना है। साइन अप नाउ पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर चले जाएँगे, लेकिन आपने उनकी वेबसाइट पर नहीं जाना, आपने दोबारा से उनको उस टैब को क्लोज़ कर देना है और फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपने यहाँ पर अपना जीमेल डालना है, जीमेल के बाद अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मुझे कहा है कि कार्स को मैं ढूंढूँ, मैं यहाँ पर कार्स को ढूंढ कर उन पर टिक करके ये वेरीफाई कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि आपने गलत किया है, इसीलिए इसने मुझे फिर से दे दिया है। अब ये कह रहा है कि स्टोर फ्रंट करो, तो मैं स्टोर फ्रंट को क्लिक करके वेरीफाई कर देता हूँ। सो मेरा वेरीफाई हो गया है, अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक साइड में मुझे नज़र आ रहा है कि ये कह रहा है कि ऐड प्रीसर्च टू फायरफॉक्स। आपने इसका एक्सटेंशन जो है वो अपने फायरफॉक्स में ऐड करना है, चाहे आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हों, फिर भी आपको ये जो है यहाँ पर साइड में शो कर देगा। सो फ्रेंड्स, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, ऐड प्रीसर्च टू फायरफॉक्स या क्रोम, उस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये एक्सटेंशन शो करेगा, आपको कहेगा कि ऐड करें, आपने सिंपल ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जब भी आप गूगल से सर्चिंग करेंगे तो गूगल से सर्चिंग करने के ही आपको पैसे दिया करेगा, वैसे आपको ये पैसे नहीं देगा गूगल से सर्चिंग करने के। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ओके गो इट कर देता हूँ, यस। और फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सर्चिंग करके। मैं सिंपल यहाँ पर सर्च करता हूँ wikisoftt। सो फ्रेंड्स, ये पहले मुझे शो करेगा कि आपको 0.25 टोकन जो है वो मिलेंगे, उसके बाद ये हमें इस सर्च पर लेकर आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि 0.25 जो है आपको एक सर्च करने के मिलेंगे, और मैंने इस वक्त मैं सर्च करता ही रहता हूं, इस वजह से मेरे जो है यहां पर 46 टोकन हो चुके हैं। अगर मैं इसको रीलोड करूंगा तो 46.25 जो है मेरे टोकन आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसके टोकन की कीमत कितनी है। सो फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप इस में से 1000 टोकन से पहले विथड्रॉ नहीं ले सकते, और विथड्रॉ अगर आपने लेना है तो आप वो अपने एथर के वॉलेट में ले सकते हैं और किसी वॉलेट में नहीं ले सकते। सो फ्रेंड्स, एथर का वॉलेट इस वक्त मैंने यहां पर डाला हुआ है और मैंने अपडेट करके रखा हुआ है।
सो फ्रेंड्स, ये आपसे कुछ पूछेगा, आपका नेम क्या है, नेम आपने टाइप करना है, डिस्प्ले नेम टाइप करना है, उसके बाद जेंडर, जेंडर को आपको इसको बताना है, उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मेरा पाकिस्तान है इसलिए मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपना एथर का जो वैलेट है वो यहाँ पर डाला हुआ है और फिर अपडेट कर दिया है। आपने भी सिंपल ऐसा ही करना है, एथर का वैलेट डालते ही अपडेट कर देना है। अगर आपके पास एथर का वैलेट नहीं है तो आप blockchain.com पर जाएं। blockchain.com पर जाने के बाद आप वहाँ से सिंपल जो है बना सकते हैं अपना वैलेट। वैलेट बनाने के बाद वो आपको बिटकॉइन का वैलेट भी दे देता है, लाइटकॉइन का भी दे देता है और एथर वैलेट भी दे देता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, वहाँ से एथर का वैलेट जो है उठाना है और इस पर लाकर पेस्ट कर देना है और अपडेट कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब मैं बात कर रहा था कि इसकी कीमत कितनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं 1000 प्री सर्च टोकन टू USD। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि आप इस पर क्लिक करें, आपको ये बताएगा कि कितने बनते हैं कितने नहीं। सो फ्रेंड्स, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और थोड़ी देर बाद ये मुझे शो करेगा कि कितने इसके पैसे बनते हैं अगर 1000 प्री सर्च हों तो। मैंने फ्रेंड्स जब पहले चेक किया था तब ये $39 जो थे वो दे रहा था 1000 प्री सर्च के। यहाँ में एक प्री सर्च के 0.03 डॉलर देता है। यहाँ पर ये इस वक्त हमें दिखा रहा है कि ये $30 जो है हमें देगा। मैंने जब पिछली मरतबा चेक किया था, पिछली मरतबा भी ये $30 ही दे रहा था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि इसके पैसे कितने बनते हैं। अगर आप एक मंथ के भी 1000 अगर आप प्री सर्च कर लेते हैं, उसके भी आपको अगर $30 मिले तो वो भी कम नहीं है सिर्फ सर्चिंग के। चलें फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप विथड्रॉ कितने टोकन्स का ले सकते हैं और रेफरल के थ्रू आपको कितनी अर्निंग होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको 1000 टोकन से पहले विथड्रॉ नहीं मिलेगा और इसमें रेफरल्स का भी ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप किसी को रेफरल करेंगे तो आपको भी 25 टोकन अर्न होंगे और उनको भी 25 टोकन मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप रेफरल के थ्रू साइन अप नहीं होंगे तो आपको 25 टोकन नहीं मिलेंगे। जब तक आप रेफरल के थ्रू ज्वाइन नहीं होंगे आपको 25 टोकन नहीं मिलेंगे और ना ही मुझे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन होंगे तो इसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद आने वाले बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आप मेरी वीडियोस को जल्द से जल्द आने वाली नई वीडियोस को देख सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।